इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है BRS बनाना है। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का दे रखा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें हर हर टाइप के क्वेश्चंस में एक ही स्टाइल से काम करना है, एक ही स्टाइल से सोचना है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन बाय डेबिट, ओपनिंग बैलेंस क्या, डेबिट मतलब नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर हमें BRS बनाना है और ओपनिंग बैलेंस हमें पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट मीन्स ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस ही होता है हमेशा, तो हम इसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, माइनस में। और अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे हम लोग एज्यूम करते हैं बैलेंस, कैश बुक पासबुक का बैलेंस एज्यूम करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें स्टार्टिंग में BRS दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है स्टार्टिंग में, वो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है हमें, तो कोई टेंशन नहीं है। पासबुक का बैलेंस आप देखिए प्लस है या माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस ही होगा, तो हमने माइनस में लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें क्या है, कैसे सोचना है, सपोज 10,000 है ओपनिंग बैलेंस, हमने एज्यूम करा, हमने चेक डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिट किए सपोज 5,000 के, तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, पासबुक में एंट्री हुई नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस 15 हो गया, पासबुक का बैलेंस 10,000 हो गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो इसका मतलब हमें सब कुछ प्लस माइनस किस में करना है, पासबुक में। बस अब हमें यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर क्या करना है, प्लस 5,000, और हम प्लस में लिख दें प्लस 5,000, ठीक है। और इसमें रटने वालों के लिए क्या बात समझ में आया है कि ये टाइप वन इसमें प्लस होता है, जो भी पासबुक रटने वालों के लिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो आपको प्लस करना टाइप टू, माइनस करना टाइप वन, और स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो हमें प्लस करना टाइप वन डिफरेंस और माइनस करना टाइप टू। बस पूरा चैप्टर इसी पर है, रटने वालों के लिए और समझने वालों के लिए ये है। अब यहाँ पर हम देखें कि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो ये टाइप वन है और टाइप वन को ऐड करना। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है तो बताइए, मैं आगे बढ़ूँ। समझ में आती है? मुझे बताते रहना, मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे जवाब देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं हम लोग। BRS हम बना रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर, और ये प्लस वाली आइटम्स हो गई, माइनस वाली हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ 16,500 लिख दिया। अब है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750, बताओ क्या करेंगे। बोलो, बताइए कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, जल्दी बोलो। कुछ एज्यूम करेंगे बैलेंस 10,000, हमने चेक इशू किया तो कहां पर एंट्री करी हमने, कैश बुक में, प्लस या माइनस, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस आ रहा 1,250, पासबुक का है 10,000, स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, तो मुझे पासबुक में क्या करना है, मैं यहाँ पर माइनस में लिख देता हूँ 8,750। ये है हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ एड्रेस की, ये फर्स्ट एड्रेसमेंट है। अब अगर मैं कहूँ इसे वैसे कि हमारा इस समय चेक इशू कर दिया, तो इस समय कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज़्यादा है, इसका मतलब ये टाइप टू है,
टाइप टू को माइनस करते हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा है, ये टाइप वन है, टाइप वन को ऐड करते हैं 10,500। यह है नंबर टू। अगर मैं वैसे करूं समझाने के हिसाब से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस, तो 11,000 या 20,000 है मान लिए। मैंने चेक 10,500 के डिपॉजिट किए, तो पासबुक में मुझे क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने के लिए, पासबुक में प्लस 10,500 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस में लिखा। पॉइंट नंबर थर्ड, चेक रिकॉर्डेड इन द कैशबुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। हमने चेक डिपॉजिट कर दिए, कैशबुक में लिख दिए, लेकिन अभी तक भेजे नहीं है, तो ये सेकंड की तरह सेम है कि सेकंड में भी यही हुआ था, ऐसा बैंक में नहीं आया था लेकिन कैशबुक में लिख दिया था, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। टाइप वन है, टाइप वन को ऐड करते हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट 2000। फोर्थ, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक में पैसा आ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया टाइप टू, तो यहाँ पर टाइप वन प्लस होना है, टाइप टू माइनस होना है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 3500। इसे समझने के हिसाब से देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, मान लिया कैशबुक पासबुक का बैलेंस 5,000 है, सीधा बैंक में जमा हो गए, तो पासबुक का बैलेंस 8,500 हो गया। अब मुझे पासबुक पे से माइनस करना पड़ेगा सो दैट दोनों का बैलेंस मैच हो जाए, इसलिए माइनस में लग गया। फिफ्थ, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में बैंक चार्जेस लग गया, बैंक पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक का ज़्यादा, टाइप वन, टाइप वन है तो प्लस हो जाएगा, और ये है 200 रुपीज। समझने के लिए कैशबुक पासबुक 300 रुपये का बैलेंस है, 200 रुपये के चार्जेस लिख दिए, तो इसका मतलब पासबुक में मुझे प्लस 200 करना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट, प्रीमियम है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बैंक ने पेमेंट करा है, सेम ऐसे चार्जेस जैसे बैंक चार्जेस हो गए थे ऐसे ही सेम पेमेंट होगी। 1980, टाइप वन, पासबुक का बैलेंस कम है, कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा है, और सेम यही पैटर्न पर फिफ्थ की तरह सिक्स्थ भी ऐसे ही होगा। सेवन्थ पॉइंट, ये बिल है 3,000 का जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था और वो डिसओनर हो गया, और उसके नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने दिए, तो बैंक ने एक तो 3,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट से कट कर लिए होंगे और 100 रुपये चार्जेस के भी, तो 3,100 बैंक ने हमारे अकाउंट से काट दिया, पेमेंट कर दिया है, बैंक बैलेंस कम हो चुका है, कैश बैलेंस ज़्यादा, टाइप वन प्लस हो जाएगा। 3,100 समझने के लिए, अभी 5,000 का बैलेंस है, 3,100 रुपीज़ की पेमेंट हो गई है पासबुक से, तो यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ेगा टू मेक बैलेंस इक्वल। ये थी एडजस्टमेंट्स, तो ये हो गया 10,500, 2,200, 1,980 एंड 3,100, 17,780, 16,500, 3,750, 3,500, 28,750। तो नेगेटिव बैलेंस ही ज़्यादा है टोटल, तो इसका मतलब हमारा क्लोजिंग भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा, और ये होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक 10,970। ओवरड्राफ्ट एज पर, इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा, आप हमेशा प्लस माइनस करके ऐसा ही बनाया करें। तो एग्जांपल नंबर 3 सन में आया, ये भी बिल्कुल वैसा था जैसे हमने पहले समझाया था, और इससे रिलेटेड 10, 11, 12 तक क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जांपल नंबर 3 के बाद।